अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कर रहे हैं? आपको तो मुंबई जाना है ना, आपकी फ्लाइट है। आप खड़े क्यों हैं बाहर? हम ठीक हैं, आप जाइए। पार्थ, मीरा ठीक कह रही है, तुम्हें मुंबई के लिए निकलना चाहिए, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। हाँ पार्थ, तुम्हें जाना चाहिए। सुनो पार्थ, तुम मीरा की फिक्र मत करो। हाँ, वो अब ठीक है और हम सब है ना उसका ख्याल रखने के लिए। तुम जाओ। वरना देखो भाई, फ्लाइट के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। यही रहेंगे मीरा के साथ। मत कहिए बात, कर्ची बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसा मौका पता नहीं फिर कभी मिले या ना मिले। मीरा बिल्कुल सही कह रही है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है पार्थ। यहाँ तुम्हारा पूरा परिवार है उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी बहन, मम्मी पापा सब लोग। बहुत मुश्किल से फ्लाइट मिली है, अगर अभी नहीं निकलेंगे ना पार्थ तो मिस हो जाएगी। आई थिंक हमें चलना चाहिए। देवा जी, हमने फैसला कर लिया, हमें माफ कर दीजिए। देविका जी, हम नहीं जा सकते। हम ये रहेंगे मीरा के साथ। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। आई नो ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। ठीक है, हम रीस्केड्यूल कराते हैं सब कुछ। ट्राई करते हैं कि दो दिन बाद की फ्लाइट मिल जाए, तब तक आई एम श्योर मीरा भी ठीक हो जाएगी एंड तुम भी फ्री ऑफ माइंड होकर हमारे साथ आ सकोगे। ओके देविका जी, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा, हम मुंबई नहीं जा रहे हैं, ना आज ना कल और ना दो दिन बाद। हमारे लिए
हमारा करियर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मीरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए पैसा कमाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए हम मीरा से दूर नहीं जा सकते। हमारे लिए लाइफ में हर चीज जरूरी है, वो इसलिए कि वो हर चीज मीरा के लिए है। हम मीरा को ताक पे रख के अगर कुछ हासिल कर भी लें तो कुछ मतलब नहीं उन चीजों का। इसलिए हम यहीं मीरा के साथ रह के काम करना चाहते हैं, और हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे मीरा के साथ। जल्दी से ठीक हो जाओ मीरा, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। हमें हमारी हंसती हुई खेलती हुई मीरा चाहिए, जो हमारी लाइफ लाइन है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग। अरे पार्थ, आप क्यों नाश्ता लेकर आ रहे हैं? मीरा सिर्फ लेके नहीं आए, बल्कि अपने हाथों से बनाया है। चलो चलो जल्दी आओ, आ जाओ आराम से बैठो। मीरा सॉरी, वो थोड़ा सा टोस्ट जल गया। वो क्या है ना कि पहली बार बनाया ना, लेकिन पूरा दिल से बनाया है। हम जानते हैं, ये हमारी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट नाश्ता होगा। थैंक यू सो मच पार्थ, आपने इतना कुछ किया, यही हमारे लिए बहुत है। मीरा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम बहुत कुछ डिजर्व करती हो। और फिलहाल ना ये सब बातें बंद करो, चुपचाप से नाश्ता करो, ये लो। चलो चलो चलो। पार्थ, आपने ये गलत किया। हमारी वजह से आप मुंबई क्यों नहीं गए? मीरा, हम ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ के मुंबई कैसे जा सकते हैं, तुम बताओ। हम पहले भी तो यहां काम कर रहे थे ना, हम यही काम करेंगे तुम लोगों के साथ। और अभी ना ज्यादा सोचो मत, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम अच्छे से खाओ ना, तुमने ये भी नहीं खाया अभी तक। लो जल्दी, ये सारा खत्म करना है तुम्हें। गुड मॉर्निंग मीरा।
देविका जी। तुम्हारे लिए बीमार जो हो थैंक यू सो मच देविका जी। ये देखिए पार्थ ने अपने हाथों से खुद हमारे लिए कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। ओह रियली पार्थ, अपनी बीवी के लिए नाश्ता बना सकते हो तो अपनी बॉस के लिए एक कप कॉफी बनाओगे? क्यों नहीं? नो शुगर प्लीज। आई नो। ओह गॉड, हीरो तो बन नहीं पाया बेचारा तुम्हारा पति। तुम्हारी संगत में बाबरची तो बन ही जाएगा। कई बार इंसान खुद को दूसरों का भाग्य विधाता समझने लगता है, लेकिन सच तो ये है कि उसकी मर्जी के बिना एक तिनका तक नहीं हिल सकता। उनके भाग्य में अगर हीरो बनना लिखा होगा तो वो हीरो जरूर बनेंगे। भूल गए हो या शायद तुम्हें याद नहीं, पार्थ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में है हमारे साथ। चाह कर भी वो ना ही हमें छोड़ के जा सकता है और ना ही किसी और के साथ काम कर सकता है। अब हम तो उसे काम देने से रहे मेरा, ना वो यहां का रहा ना वहां का, सब तुम्हारी जिद की वजह से मेरा। ग्लैमर वर्ल्ड है ये, 3 महीने में लोग बड़े बड़े स्टार्स को भूल जाते हैं। 3 साल काम ना करने का मतलब है यू फिनिश्ड, करियर खत्म। अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।